बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन जिंजर। चिकन जिंजर बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मैं आपको बड़े आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाना सिखाऊंगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में जब रेसिपी बनाएंगे तब साथ साथ में मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। और प्लीज़ आप शुरू स्टार्ट से लेके एंड तक सारी वीडियो देखें ताकि कोई भी आपसे स्टेप मिस ना हो और आपकी जो रेसिपी है ये बहुत अच्छी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक नॉनस्टिक का कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये तकरीबन दो टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। अब मैं इसमें चिकन बोनलेस डालूंगी। मैं इसको तकरीबन दो से तीन मिनट इस तरह से ही ढाँप दूंगी और इसको ज़रा दम पे रखूंगी। मैं दम पे रख दूंगी। ये दो मिनट हो गए। ये देखें, चिकन ने अपना ही जो है वो अपने जूसेस में ये पकेगा। अब मैं इसको इसमें तकरीबन जो मैंने जुलियन कटिंग में अदरक को काट लिया था वो डाल दूंगी इसमें। साथ में डालूंगी मैंने हाफ टी स्पून, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून से कम थोड़ा सा लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च आएगी और हाफ टी स्पून इसमें मैं लहसुन डाल हल्दी डाल रही हूँ। अब इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। ये झटपट सा रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन जिंजर हमारा तकरीबन 10 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। फ्लेम जो मैंने वो बिल्कुल स्लो रखी हुई है और मैं अब दोबारा से इसको 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा दम पर रख दूँगी। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैं इसको देखती हूँ। देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं किया। ये जो है जूसी सारे चिकन के हैं। बहुत ही कम मसालों में चिकन जिंजर रेडी। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून होगा। अब मैं इसमें तकरीबन एक लीमू का जूस डाल दूँगी। मैं फ्रेश लेमन यूज़ कर रही हूँ और मैं ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह योगर्ट यानी दही भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख दूंगी तो हमारा चिकन जिंजर बनके रेडी हो जाएगा। फ्लेम मैं इसकी स्लो कर दूंगी। अब इस पर मैं इसमें थोड़ा सा काला ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ वो डालूंगी। और अगेन मैं इसको लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी।
5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी और ये देखें बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च हैं वो इस तरह से जुड़े कट हुए वो डालूँगी। फ्लेम मैंने इसकी ऑफ कर दी है और मैं इसको बस इस तरह से 2 मिनट के लिए रख दूंगी और इसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और दुआ में याद रखिएगा, आप इसको चपाती और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।